तो और जो आग बुझ जाएगी और वो चीज आपकी सेव रह जाएगी। ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा ना, ये फट जाएगी। जो ये फटेगी ना तो ये सारा वो कुछ एरिया जो है ना वो कवर कर देगी, उस आपकी गाड़ी खराब हो जाती है जी जी। तो आप उसको बनाते हैं तो आप कुछ लोग सेफ्टी नहीं करते कि इसको नहीं खड़ा करते, ये बाजू का रिफ्लेक्टर लगे होते हैं ना, ये दूर से पता चल जाता है कि जाके गाड़ी खड़ी है ऐसे ही है, तो कोई मसला मसाइल है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर वैसे सेक्शन ये लगा होता है ये वाली चीज, ठीक है, इसको आप पहनेंगे और इससे टाइट कर देंगे, ठीक है, उसके आगे लगा दें बाजू को, इधर हमने सफाई करनी है ऐसे ही इसको आगे लगा दें, लाइट जाएगी ये ऑटो ऑन हो जाएगी। उनको आग लग जाती है तो वो सिलेंडर कुछ भी नहीं करता, तो उसके लिए ये बल्कि एक चीज में मिनिमम 8,000 से लेके ना तो मुख्तलिफ प्राइस है, 1,00,000 तक, 1,00,000 से प्लस भी चले जाते हैं उधर। हालांकि वेल्डिंग हुई होती है, पता नहीं चलता कि ये वेल्डिंग है, वो इससे करते हैं। तो इनके अंदर ना एक स्टील टो लगी होती है, अगर किसी कोई चीज इसके ऊपर चढ़ भी जाए ना तो वो अच्छा इसको पांव को नुकसान ना हो, नुकसान नहीं उंगली को। ये मशीन है सर जी सोलर वॉश, समझिए 20-25 प्लेटें लगाई हुई है ना, तो एक ही जगह खड़ के आप उसको वॉश कर सकते हैं, इसका इतना प्रेशर है। तो वो जानवर अगर कोई चीज खा लेता है तो ये फिर भी डिटेक्ट कर लेती है, पेट के अंदर से भी, पेट के अंदर से भी डिटेक्ट कर लेते हैं। इनका एड्रेस पूछते हैं और इनका फोन नंबर पूछते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान खिची, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं आया हूँ ये लाहौर शहर के अंदर, और ये लाहौर में एक दुकान है जो शबीर सन्स एंड इंजीनियरिंग एंड वर्क्स के नाम से है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी दुकान है क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में बनती हैं, बड़े स्काई हाई बनते हैं, वहाँ पे जितना कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर के मुल्कों में, तो ये काफ़ी अरसे से ये ट्रेंड है, मगर पाकिस्तान में अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके बगैर कोई भी मजदूर जो है वो काम नहीं करता। तो इसलिए जितने भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें ये फर्स्ट एड का सामान है, ये हेलमेट्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके अलावा जितना भी सामान है, इस तरफ हमारा अगर कैमरामैन दिखाए तो ये जूते पड़े हैं सेफ्टी के, ये पूरी बहुत बड़ी दुकान है जो भरी पड़ी है इस सामान से। इसकी ये सामान की आज तो हमने आपको ये बताना है कि इसकी प्राइसेस क्या हैं और ये इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इनके पास कितनी किस्मों का सामान है, क्योंकि ये चूँकि बहुत बड़ी दुकान है, होलसेल की दुकान है, आप जो बड़े छोटे शहरों वाले हैं वो ये सामान कल को मंगवाएंगे तो उनको ये किस रेट्स पर मिलेंगे, होलसेल के इनके क्या रेट्स हैं, और बाकी अगर कोई आप टेंडर अगर लेते हैं तो आपको अगर सामान लेना पड़ता है तो वो यहाँ से कैसे मिलेगा। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है, आपने पूरी देखनी है क्योंकि इसमें सेफ्टी के हवाले से जितना भी सामान होता है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है और हम उसके बारे में सब की डिटेल्स में बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, क्या हाल है? ठीक है, ये ठीक है आपकी, कैसे मिजाज है? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। चले माशाल्लाह, ये बताएं जी कितना अरसा हो गया इस दुकान को? मैंने आज पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम देखा है पाकिस्तान में इतनी अच्छी दुकान सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि इस हवाले से हमारे जो मुल्क में बड़ी फुकदान है सेफ्टी का, कोई नहीं इतना करते कवर अप। तो इनको तो वैसे माशाल्लाह हमारा काफ़ी अरसा हो गया इसको, दुकान पहले आगे थी, इधर शिफ्ट की है, अच्छा 6-7 महीने हो गए, तो होलसेल का काम है हमारा। तो फायर के हवाले से देख रहे हैं आप माशाल्लाह, ये सारी एक सीरीज लगी हुई है। सिलेंडर के हवाले से देख लें, ये सिलेंडर हैं, अच्छा आग बुझाने के लिए। आपको पता है आजकल हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में ये मामलात हो रहे हैं कि घर में आग लग गई, ये कोई और मसला, ऐसे ही ऐसे ही। तो ये सिलेंडर हैं बेसिकली, हम ये एक सीरीज है, गाड़ी वगैरह में आप रखते हैं गाड़ी भी आग लग जाती है, आजू बाजू और चीजें होती है, ये छोटा सिलेंडर है सबसे छोटा, ये गाड़ी में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये वाला 1 kg का होता है वैसे। अच्छा, उसके बाद ये एक छोटा सा बड़ा सिलेंडर है, ये मज़दा वगैरह आ जाए या कोई इससे बड़ी गाड़ी होती है, अच्छा इसमें रखते हैं। फिर ये वाला आ जाता है घर में, अक्सर किचन में यूज होता है ना, वो एक छोटा सा है, ठीक है ना। फिर एक इंडस्ट्री लेवल में जाए ना तो वो फायर के हवाले से वो ये 6 kg का ये वाला सिलेंडर यूज करता है। अच्छा अच्छा, ये रिफिलेबल होते हैं, ये बाद में रिफिल हो जाते हैं? ये रिफिल हो जाते हैं, अगर बाई चांस आपने इसको यूज किया तो ये होते वन टाइम पुश हैं। अच्छा, आपने एक दफा पुश किया, ठीक है ना, इसका प्रेशर लूज हो जाएगा, आप इसको दोबारा रिफिल करवा ले जाएं। अच्छा, दोबारा रिफिल, हाँ दोबारा रिफिल। वैसे अगर इसको यूज नहीं किया आपने तो 1 साल तक आप इसको रख सकते हैं, 1 साल बाद इसको दोबारा रिफिल। इनकी कोई एक्सपायरी भी होती है? नहीं, एक्सपायरी इसकी रिफिलिंग की होती है, वो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, ये इनकी प्राइसेस क्या है, ये गाड़ी वाले की क्या प्राइस है? ये गाड़ी वाला है सर जी, इसका रेट जो है ना वो 1200 रुपए है। अच्छा,
और इसका जो है वो 1750 रुपए है। अच्छा, और इसका जो रेट है 2250 है जी जी, और ये 2500 रुपए है। अच्छा, ये 2500 रुपए का जो बड़ा, ये सीरीज में सारे पड़े हुए, ये है पाउडर वाले। अच्छा, इनमें होता है ड्राई केमिकल पाउडर, ये हर किस्म की आग बुझा देते हैं। उसके बाद आ जाती है सीरीज इसकी, अच्छा, CO2 की। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लग जाती है बागमत डीपी में या तो उनमें ये वाली CO2 की गैस यूज होती है। अच्छा, ये CO2 इसमें ये होती है कि गैस आग बुझा के वो उड़ जाएगी, समझ लो तो, और जो आग बुझ जाएगी और वो चीज आपकी सेव रह जाएगी। अच्छा, वो डैमेज नहीं होगी। अच्छा, इसमें दो साइज आते हैं, एक ये साइज है 5 किलो वाला और एक ये 3 किलो वाला। अच्छा, ये 3 किलो वाला, ये 5 किलो की कितनी प्राइस है और 3 की? 5 किलो की प्राइस जो इस टाइम है ना वो 7500 रुपए है सर जी, और जो 3 kg का है जो वो 5500 रुपए। अच्छा, 5500 की प्राइस है जी। अच्छा जी, इसके बाद, उसके बाद इससे थोड़े से हैवी आ जाते हैं। अच्छा, वो आ जाता है 10 kg में, ये सिलेंडर है 10 kg में जी जी। इसमें एक फोम वाला भी आ जाता है, ये समझ लो एक फोम जिस तरह होती है ना वो है, एक पाउडर वाला, एक फिर वाटर वाला भी आ जाता है। अच्छा ठीक है, एक ये वाला ऑटोमेटिक सिलेंडर है। अच्छा, ये ऑटो भी है? ये ऑटो है। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है? आपने जिस जगह पे किचन है ना, किचन में अक्सर ये यूज होता है, आपने इसको छत के साथ जो है ना वो हैंग कर देना है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर 70°C तक जाएगा ना जो ही, तो ये इसके अंदर एक ये लगी होती है। अच्छा, ये फट जाएगी, जो ये फटेगी ना तो ये सारा वो कुछ एरिया जो है ना वो कवर कर देगी, उसके अंदर जितनी भी आग है वो। अच्छा, ये उसी वक्त जो है ना वो किचन में जैसे ही टेम्परेचर, ऑब्वियस बात है कि वो तो आग लगेगी तभी टेम्परेचर जो है ना वो जाएगा, इसलिए जब वो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर ये फट जाएगा, ऐसे ही फट जाएगा, ऐसे ही ये। अच्छा, इसका टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है 70°C जाएगा ना तो ये फट जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद, उसके बाद ये सेफ्टी कोन, रोड सेफ्टी कोन हो जाते हैं, आप मोटरवे पे जाके देखें या मोटरवे पे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है जी जी, तो आप उसको बनाते हैं तो आप कुछ लोग सेफ्टी नहीं करते कि इसको नहीं खड़ा करते, ये बाजू का रिफ्लेक्टर लगे होते हैं ना, ये दूर से पता चल जाता है कि जाके गाड़ी खड़ी है, ऐसे ही है, तो कोई मसला मसाला है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं थोड़ी, जैसे ही कोई लाइट पड़ेगी इसके ऊपर तो ये रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट, इनमें भी सीरीज है, एक 18 इंच में, एक 28 इंच में। अच्छा, ये क्या प्राइसेस इनकी है? ये चाइना इम्पोर्टेड जो है ना वो 1800 रुपए है सर जी। अच्छा, 28 इंच में जो बड़ी कौन है, और छोटी कौन जो है ना वो 1200 रुपए की है। अच्छा, ये 1200 रुपए की। हाँ, अच्छा, तो इसमें एक ये एक लोकल सीरीज आ जाती है। अच्छा, ये लोकल है, मेड है, पाकिस्तानी मेड है, और ये भी इनका रेट जो है ना वो थोड़ा सा लो है। अच्छा, इनका ये रेट लो है, ये 400 रुपए है और ये 950 रुपए है। अच्छा, ये 950 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं ये डेलिनेटर, बालू का जहाँ पे चेक पोस्ट लगी होती है वहाँ पे इंटरेस्ट पॉइंट भी ये लगे होते हैं अक्सर। अच्छा, आपने देखो एक पाथ चेंज होता है ना तो वहाँ पे ये इनके ऊपर वो लग जाती होगी, वो चेन भी लग जाती है, चेन लग जाती है, पाथ बनाना है तो वो चेन भी लग जाती है। अच्छा, ये हो गया जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और कौन है, ये थोड़ी सी है, ये फोल्डेबल है, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये फोल्डेबल है, अगर बालों का ये होता है कौन की जरूरत है, आप जगह भी नहीं है तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और इसको खोल भी सकते हैं, ये है, इसको ऐसे फोल्ड करते जाएं, जितनी फोल्ड करनी हो आपकी मर्जी है। ये बिल्कुल, ये देखें, ये कस्टमाइज्ड है, आप जैसे फोल्ड कर लें तो ये जमीन के साथ लग जाए, लग जाएगी। हाँ, ये तो टूटती भी नहीं होगी, ये टूटती भी नहीं है, ऊपर से गाड़ी भी उतर जाए तो। हाँ, ऐसे ही है। उसके बाद ये हेलमेट जो है, ये सेफ्टी हेलमेट आ जाते हैं बाजू का, जहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन प्लाजा बन रहा होता है। अच्छा, ठीक है, तो आपको पता है कि प्लाजे के अंदर काम भी ऊपर हो रहे थे, नीचे से बंदे भी गुजर रहे होते हैं, बाजू का ईंट गिर जाती है, कोई चीज और गिर जाती है तो उसके सर पे लग सकती है, वो आपको पता है कितना वो एक नुकसान दे सकती है। ऐसे ही है, ठीक है, तो उसकी जगह उन्होंने फिर ये एक सेफ्टी के हवाले से ये वाली हेलमेट है। अच्छा, ये इसके अंदर वैसे सेक्शन ये लगा होता है, ये वाली चीज, ठीक है, इसको आप पहनेंगे। अच्छा, और इससे टाइट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो कोई चीज अगर गिर भी जाती है ना तो वो इतना डैमेज नहीं करेगी आपको। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, टूटते भी कोई नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये फाइबर है? नहीं नहीं, प्लास्टिक में होते हैं, हार्ड होते हैं। अच्छा, हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक। अच्छा, ये इनकी प्राइसेस क्या है? ये तो इनमें काफी सारी वैरायटीज हैं सर जी। अच्छा, तो ये वैरायटी होलसेल प्राइस में सर जी 200 से लेकर ना तकरीबन कोई 2500-3000 तक है। अच्छा, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा जो है ना वो अच्छी हैवी क्वालिटी का ना, वो इस टाइम 2400-2500 रुपए है। अच्छा जी, 2500 रुपए का जी, वो इतनी, वो उसकी वो अनब्रेकेबल होता है, वो बिल्कुल टूटेगा वो कोई भी चीज। अच्छा जी, इसके बाद जी ये ऊपर, उसके बाद ये आ जाती है जी जी। अच्छा, ये है, ये फायर बकेट्स होती है, उसके साथ वैसे एक स्टैंड लगा होता है, स्टैंड के साथ ये हैंग होते हैं, अगर बाई चांस किसी जगह आग लग जाती है आप इसके साथ इसको बेसिक, इसका पर्पज जो होता है ना बेसिक, जी जी, वो ये होता है इसके अंदर मिट्टी या रेत वगैरह जो है ना वो फिल्ड कर देते हैं, वो रेत वगैरह
जैसे आग लगी उसके ऊपर फेंक दी, पेट्रोल पंप के ऊपर ये पड़ी हुई है, ये पेट्रोल पंप के ऊपर पड़ी होती है, फिल्ड होती है ये इसके अंदर। अच्छा, अगर बाई चांस वो नहीं है तो इसको आप पानी के लिए भी यूज कर सकते हैं, पानी भर के उसके ऊपर फेंक। अच्छा, पानी भी एट ए टाइम एक चीज अवेलेबल होती है आपके पास। ऐसे इसी प्राइसेस होती है, ये 350 इसका रेट। अच्छा, 350 हो गया। ये जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये वर्क्स इन प्रोग्रेस, ये सर आप देख रहे होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते होंगे ना, तो वो एट ए टाइम एक सफाई भी कर रहे होते हैं और एट ए टाइम उसका एक पार्ट जो होता है ना वो समझ लें सुरक्षित में एक टेबल लगी होती है, तो जिस एरिया में वो सफाई कर रहा होता है ना वो ये है कि उसके आगे लगा दें, बाद को इधर हमने सफाई करनी है इसको आगे लगा दें। अच्छा, तो आगे समझ लें वेट फ्लोर है, वो बंदा है अपनी एहतियात से जाएगा, ऐसे ही है, सही बात है, वो गिरेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं, आपको पता है फर्श गिला हो या वो जो क्या हो सकता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये वाली चीज है, ये लाइट्स की बड़ी ज्यादा वैरायटी भाई पड़ी है आपके पास, ये लाइट्स की, ये लाइट्स की है सर, ये बेसिक ये वाली लाइट्स जो है ना सर जी इमरजेंसी के लिए है। अच्छा, ये आप अपने घर में या प्लाजा है या दुकान है जिधर भी लगा दें, ठीक है ना, ये इसका कनेक्शन होता है, ठीक है ना, जब लाइट जाएगी ये ऑटो ऑन हो जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिकली ऑन होगी, सेंसर लगे होंगे इनके अंदर, बैटरी भी होती है, एक सेल भी होते हैं, जो बैटरी वाली होती है उसका बैकअप जो होता है ना वो ज्यादा होता है। अच्छा, और जो सेल वाली है तो आप बेहतर जानते हैं कि उसका जो बैकअप होगा वो ऑब्वियस है। हां जी, अच्छा, ये क्या प्राइस है इनकी? मुख्तलिफ प्राइस सर जी, सेल वाली अगर लेंगे तो वो 3500 की, अगर बैटरी वाली लेंगे तो वो 4000 की। अच्छा जी, ऊपर फिर वो कॉम्बो लाइट है सर जी। हाँ जी, वो कॉम्बो लाइट, वो बड़े बड़े प्लाजे होते हैं या देख लें आप पार्किंग एरिया अंडरग्राउंड के बने होते हैं बेसमेंट में, ठीक है ना, तो उसके एंट्रेंस और आउटर्स पे ये लगा होता है, एग्जिट इस साइड पे कर सकते हैं, एग्जिट इस साइड पे कर सकते हैं, तो एट ए टाइम वो नीचे रेड लाइट भी ऑन और वो भी ऑन होती है, तो वो इससे एक डायरेक्शन पता चल जाती है कि हमने इधर जाना है, हमने इधर जाना है। अच्छा, उनकी क्या प्राइस है भाई? ये मुख्तलिफ है, ये 7500 रुपए का, अगर दुकान में एक नुक्कड़ पे एक लगा दें स्पेसिफिक एंगल के ऊपर तो पूरी दुकान दिखाएगा आपको, वैसे ही बेसिक इशारे के ऊपर लगता है ये, ऊपर तो जो बने ये पहाड़ों में नहीं वो लगते मोड़ के अंदर, हाँ उधर भी लगते हैं, इशारे के ऊपर भी लगते हैं, एक पता चल जाता है कि जी फलां चीज उधर से आ रही है, गाड़ी आ रही है, पता चल जाता है। ये कितनी प्राइस होती है इनकी? कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं सर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, ये 18 इंच से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 42 इंच तक जाता है ये। अच्छा, 18 इंच का 3000 रुपए का है सर जी, और 24 इंच का जो है ना ये 4500 रुपए का है, और उसके बाद आ जाते हैं 40 इंच में, ये जितना बड़ा साइज होता जाता है उतना फिर ये इसका प्राइस भी बढ़ती, हाँ, बढ़ती जाएगी प्राइस। अच्छा, इस तरह बढ़ती जाएगी। ये बेल्ट है, ठीक है ना, ये बेल्ट ही बेल्ट है। अच्छा, आप किसी हाइट पे काम कर रहे हैं ना तो उधर से बंदा स्लिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये बेल्ट होती है, ये बंदे पूरे को कवर ऑल कर देती है, ऊपर किसी जगह पे उसको ना एक समझो हुक बनी होती है, हुक के साथ उसको कर लेना, अगर बाई चांस आप ना स्लिप हो जाते हैं तो वो एक स्पोर्ट है आपके पास, वो नीचे नहीं गिरेंगे आपको, वो कुछ नहीं होगा, फिर ऐसा एहतियात के साथ वो आप कर जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इनकी क्या प्राइस होती है? ये जो ये मुख्तलिफ है सर जी, ये 2500 से लेके ना ऑनवर्ड जाती है, ये 11000-12000 तक जाती है। ये वेल्डिंग वाले हैं, ये वाले जो सामने पड़े हुए हैं, ये वाले, ये क्या है? ये वेल्डिंग हेलमेट है सर जी। अच्छा, वेल्डिंग हेलमेट है, वेल्डिंग हेलमेट है, ये आपको पता है वेल्डिंग जो कर रहे होते हैं ऑटो, ऐसे ही है ना, ये होता है, अगर बाद वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर ब्लैक शीशा लगा होता है, वो वेल्ड आंखों को कुछ नहीं होता, ठीक है, आईज का मसला नहीं बनता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप ग्राइंड कर रहे ना किसी चीज को तो ब्लैक नहीं चाहिए, तो आप इसको ऊपर कर लें, अंदर व्हाइट लगा होता है, ये व्हाइट भी है अंदर लगा हुआ, व्हाइट लगा होता है, ये बाद ग्राइंड कर रहे होते ना वो आपको पता है ग्राइंड करते वक्त कितना खर्चा वो आ रहा है, ऐसे ही है, तो वो उससे जो आईज है ना वो सेव है, वो बड़ी सेव रहते हैं जी जी। तो ये इसका पर्पस है। इनके क्या प्राइस है? ये सर जी चाइना वाला है 800 रुपए का, और ताइवान का जो 1250। अच्छा, ताइवान का जो अच्छा होता है, अच्छा वो अनब्रेकेबल होता है, उसको जितना भी मोल्ड कर लेना कुछ भी होगा। ये फेस मास्क, ये फेस मास्क है सर जी, जहाँ पे जहरीली गैस वगैरह होती है ना तो उधर ये वहाँ यूज करवाते हैं ये वाली चीज। अच्छा, तो ऑक्सीजन मास्क भी एक आता है इसमें से। अच्छा, तो वो मास्क लगा लेते हैं, एक साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बेसमेंट में या आपने देखा होगा टनल में जो गारे बनी होती है अक्सर वो लोग ट्रैवल करते हैं जी जी, ठीक है, तो वो ये उधर यूज होता है। ये कितनी प्राइस है इनकी? ये मुख्तलिफ है, 3000 से लेके ना तकरीबन इसका प्राइस जो है ना वो 40-45 हजार तक चली जाती है। ये इसके प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है, जितना वो अच्छा होगा अच्छे हिसाब से जी जी। इसके बाद उसके बाद आ जाता है ये फायर आग्स। अच्छा, बोलते हैं अगर ये होता है बाद का जिस गाड़ी में पड़ा हो या कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, अगर उसका साइड एरिया पे आपको पता है विंडो बनी होती है शीशा लगा, अगर इमरजेंसी आपने करना है बाहर जाना है सीढ़ियों के बजाय आपने अगर
खिड़की तोड़नी है या वो उसके लिए ये यूज होता है। हाँ, ये खिड़की तोड़ने के लिए, शीशा तोड़ने के लिए ये यूज होता है। अच्छा जी, उसके बाद प्राइस है सेफ्टी शूज, इसकी क्या प्राइस है? ये सर जी 1800 रुपए इसकी। अच्छा, ये फायर ब्लैंकेट इसके बारे में थोड़ा सा। फायर ब्लैंकेट सर जी एक समझो एक ये कपड़ा है, ठीक है ना, अगर बाई चांस किसी जगह आग लगी हो ना, इसको कवर करके आप चले जाएं, आपको आग नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है। अगर बाई चांस किसी जगह आग, किसी बंदे को आग लगी हुई है, आप उसको जाके लपेट दें, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। ये कपड़ा ऐसा है कि इसको आग नहीं लग सकती। ये बड़ी बड़ी ट्रॉली जो है ना, ये बाद वो मशीनरी के साथ खड़ी होती है, मशीनरी होती है ना बड़ी हैवी हैवी, उनको आग लग जाती है तो वो सिलेंडर कुछ भी नहीं करता, तो उसके लिए ये बल्क एक ये वाली चीज़ है। टायर भी लगे हुए सारा कुछ, इसका प्रेशर इतना होता है जब इसको यूज करना है, तो इससे क्या करना है, ये पाइप लेना है, इसको ऑन कर देना है आपने आगे। CO2 वाला या पाउडर वाला? पाउडर वाला है सर। अच्छा, ये पाउडर वाली सारी खड़ी है, कुछ AFFF की फोम वाली खड़ी है, कुछ पाउडर वाली है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फास्ट एंड बॉम्ब। आजकल मेरे ख्याल में हर घर में ना आयरोज कोई ना कोई आपको पता है मसला खड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई मसला बाद बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस चीज के लिए ये है कि फास्ट एंड बॉक्स इसके अंदर सारी मेडिसिन पड़ी होती है एट ए टाइम। कौन कौन सी इसमें चीज, ये सिर्फ डिब्बा होता है या आप इसमें वो सामान भी अवेलेबल है अगर निकाल के दिखा? एक स्केच बना हुआ डिब्बा है। अच्छा, ठीक है ना, बाकी मटेरियल जो है ना वो आपको पता हर बंदे की अपनी एक वो हर बंदे ने अपनी मर्जी से उसके अंदर मेडिसिन डालनी होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये जो ये आ जाते हैं फिर वेल्डिंग प्लांट। अच्छा, ये प्लांट जो है ये छोटे साइज के नहीं है या इनकी कैपेसिटी बड़ी है? और ये समझ लें पोर्टेबल है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने तो इजीली आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। इनकी है। क्या प्राइस तो ब्रैकेट को बताएं? इनकी प्राइसेज हैं सर जी सीरीज में मिनिमम 8000 से लेके ना तो मुख्तलिफ प्राइस हैं, 1 लाख तक, 1 लाख से प्लस भी चले जाते हैं। वो क्वालिटी इनमें ये है सर जी, क्वालिटी ये आम वेल्डिंग रॉड जो चल रहे होते ना ये उनके लिए है। अच्छा। आगे नीचे है ये आर्गन के लिए, आर्गन की आपने वेल्डिंग देखी होगी, स्टील की वेल्ड करते हैं। अच्छा, जो ग्रिलिंग होती है ना अक्सर देखी होगी आपने ग्रिलिंग, जी जी, वो वहां से मोल्ड कर रही होती है उधर, हालांकि वेल्डिंग हुई होती है पता नहीं चलता कि ये वेल्डिंग है, वो इससे करते हैं। अच्छा, वो इससे वेल्डिंग करते हैं? हाँ, वो इसका एक वेल्डिंग रॉड आता है उससे वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना, तो वो पता भी नहीं चलता कि ये वेल्डिंग है क्या है। अच्छा, ये कितनी इसकी प्राइस है? ये मुख्तलिफ है जी, ये इसकी 85,000 प्राइस है। अच्छा, 85,000, ठीक है। उसी तरह कंपनी के हिसाब से फर्क होता है इनका? हाँ, कंपनी के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी बेस पे ना सर। अच्छा जी, उसके बाद जी? उसके बाद आ जाती है ये वाली चीज, CO2 वेल्डिंग प्लांट है जी। अच्छा, इसको खोलने में क्या फर्क है सर? इसमें CO2 गैस यूज करके ना अक्सर बेबी साइकिल बनती है ना, उसको उनके मटेरियल को ना वेल्ड करने के लिए वो ये वाला प्लांट यूज करते हैं और वो रोज यूज करते हैं वो वाला। अच्छा, इसकी क्या प्राइस होती है सर? ये सिस्टम सर जी, इसकी प्राइस जो है ना वो 75 है। ये सर सेफ्टी शूज है, इनके अंदर ना एक स्टील टो लगी होती है पूरी। हाँ, स्टील टो, इधर एक मोल्ड होता है, मींस कि अगर किसी कोई चीज इसके ऊपर चढ़ भी जाए ना तो वो अच्छा इसको पाओं को नुकसान ना हो, नुकसान नहीं, उंगली को नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर नीचे से पूरी एक स्टील लगी होती है, नीचे से किल वगैरह या कोई नीचे से वो भी नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगी अंदर स्टील, ऊपर से भी। आपको पता है क्या प्राइस है इस बूट की? ये सर चाइना इम्पोर्टेड है, ये इसकी प्राइस जो है ना वो 4500 रुपए। 4500, ये मुख्तलिफ क्वालिटी के वाले से पड़े हुए हैं। मिनिमम इसकी प्राइस जो है ना देखा जाए तो वो 1150 से लेके ना लोकल मेड में 1150। कौन सा है ये 1150 सर जी? ये वाला। अच्छा, इसमें भी वही लगी हुई है स्टील की? इसमें भी स्टील टो लगी हुई है, देख। अच्छा, और इसमें ये क्या क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी बेस्ड है सर जी, वो जो आइटम बड़ा वो बड़ा, ये सर जी जोगर टाइप होते हैं इनका, आपने देखा होगा जो लोग विजिट कर रहे होते हैं ना तो ये वाली चीज पहनते हैं, उसकी वजह ये है कि बाज़ूकात पत्थर पड़े होते हैं अगर जाके पांव लग जाता है तो वो इस तरह के मसले सॉल्व नहीं होते। कितनी प्राइस है इसकी सर? ये 8500 रुपए का। 8500, ये सबसे अच्छी क्वालिटी पड़ी है। अच्छा सर, ये इसकी कोई गारंटी वगैरह भी देते हैं कि कोई नहीं है टूटने की या कोई टूटते गारंटी? सर जी वैसे तो टेक्निकल कोई इशू आ जाता है तो उसकी गारंटी है, बाकी आप कोई चीज भी देख लें अगर उसको पानी में लेके जाएंगे तो वो खराब हो जाएगी। अच्छा, ये जो सामने सर बॉक्स पड़ा हुआ है, हाँ ये वाला बॉक्स जो है ना सर जी, इसमें वैसे सेफ्टी के हवाले से ना जो समझो बेसिक चीजें होती है ये वो इसके अंदर रख देते हैं। कैबिनेट जो है, हाँ ये पीपी कैबिनेट होती है, इसके अंदर आप समझो फास्ट एड बॉक्स भी रख दिया, ब्लैंकेट भी रख दिया, एक दो सिलेंडर भी रख लिया, फायर ऑक्स भी रख दिया, इस तरह जो कॉमन चीज है ना वो इसके अंदर रखे। एक घर के अंदर इसको समझ लो ये एक सेफ चीज पॉइंट, एक खास स्पेसिफिक पॉइंट है कि इसके अंदर हर चीज मिल जाएगी। कितनी प्राइस है इसकी सर? सर ये वाला बॉक्स अकेला जो है ना वो 8500 रुपए का, बाकी इसके अंदर मेडिसिन आपको पता है वो पहले इंट्रो करवाया भाई, वो तो अलग एक सीरीज आप जितना रखना चाहे वो रखना। सर ये जो साथ मशीन पड़ी है, ये मशीन है सर जी सोलर वॉच। अच्छा, ये स्पेशली है? अच्छा, ये सोलर पैनल सर जी आपने समझे 20-25 प्लेटें लगाई हुई है ना तो एक ही जगह खड़ के आप उसको वॉच कर सकते हैं, इसका इतना प्रेशर है। अच्छा, ये एक जगह पे ही हो जाएगा? हाँ, ये तीसरे फ्लोर तक इसका प्रेशर जा सकता है। अच्छा,
बेशक नीचे आप रखे, इसके नीचे सीरीज है सर जी, हाँ हाँ वो भी आ जाती है। ये कितनी सर इसकी प्राइस है? इसकी प्राइस है 56,000 रुपए। सर ये कंपनी भी बड़ी अच्छी है, हुंडई की है, हुंडई कोरिया की कंपनी। मेटल डिटेक्टर आपको पता है हर जगह, हाँ हाँ, जो आप चले जाएं स्कूल में, चले जाएं बैंक में, चले जाएं किसी भी, मेरे ख्याल में चले जाएं, सबसे पहले वो चेकिंग के लिए उन्होंने ये रखा हुआ है। ये सर क्या प्राइस है? इससे डिडक्ट हो जाता है कि आपने कोई वेपन तो नहीं लिया हुआ है, क्या चीज़ कोई गलत चीज़ तो नहीं ली हुई, तो वो ये वाली चीज़ें जो डिडक्ट। कितनी सर इसकी कीमत होती है? ये मुख्तलिफ सर 2,000 से लेके 3,000 मैक्सिमम 45,000 तक ये डिटेक्टर हैं। अच्छा, ये सर ये जानवर में अगर चला जाए कोई, वो जानवर अगर कोई चीज खा लेता तो ये फिर भी डिटेक्ट कर लेती है, पेट के अंदर से भी? पेट के अंदर से भी डिटेक्ट कर लेती है। अच्छा, वो हैवी से भी करेगा, लेकिन ये नहीं करते, वो हैवी करेगा। अच्छा, वो जो अच्छा होगा अच्छी कंपनी का होगा वही करेगा। जी दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने जितने भी सेफ्टी के टूल्स हैं, और ये वो टूल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आजकल के जमाने में। जितना भी हम काम करते हैं, लेबर काम कर रही है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है। अगर आपने परचेज करने हैं तो आप यहाँ पे बशीर एंड सन्स जो है ये यहाँ पे आ सकते हैं। भाई से हम इनका एड्रेस पूछते हैं और इनका फोन नंबर पूछते हैं। जी भाई, एड्रेस सर जी, ब्रांच रोड ऑस्ट्रेलिया चौक है, जो एंट्रेंस करेंगे पीएसओ पंप आएगा, पीएसओ पंप के सामने ये वाली दुकान है, बशीर सन वेल्डिंग एंड सेफ्टी। अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर 0305779396। हसनैन अहमद मेरा नाम है सर, तो इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप जिस तरह इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। सर बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्रेशियस हमें टाइम दिया, हमारे देखने वालों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, जितनी भी सेफ्टी के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्होंने दिखाई हैं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।